Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है सब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दो जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो सपोजिंगली कि आप मूव करते करते 8 पोजिशन पे आ गए हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया 8 पोजिशन पे आ गए एंड नाउ यू हैड रोल्ड द डाइस एंड नाउ यू आर हैविंग 6 इन योर डाइस, ठीक है, तो 6 आया, बहुत ही बढ़िया। अब आपको 6 पोजीशंस को मूव ऑन करना है, मतलब 6 पोजीशन पे जाना है 8 से, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 17 सॉरी 5 6 यहाँ पे 14 पे पहुंचना था आपको, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे तो आप बड़े आराम से मूव कर गए कि 14 पे पहुंच गए, हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे हो मैट्रिक्स में यहाँ पे कुछ भी 8 मार्क नहीं है, यहाँ पे कुछ भी 14th मार्क नहीं है, तो यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस रो और कॉलम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो रो और कॉलम को कैलकुलेट करने का मेथड आपको डिफरेंटली बिल्ड करना पड़ेगा, वहाँ पे भी कर सकते हो, जो भी है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो एक मेथड बिल्ड करना पड़ेगा कि आप कभी भी इस पोजीशन पे खड़े हो और यहाँ से आपको 6 पोजीशन पे पहुँचना है, तो कैसे पहुँचोगे, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए आपको रो अलग से काउंट करनी पड़ेगी कि अभी अपन कौन सी रो पे और फाइनली अपन कौन सी रो पे रीच आउट कर जाएंगे, एंड कॉलम भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये, अच्छा ठीक है भैया ये समझ गया। उसके बाद में तो क्या, उसके बाद में तो नॉर्मल वीएफएस का इंट्यूशन ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन एक दिक्कत और है भैया, बताओ कि इसमें जो डाइस है ना उसको जब रोल किया तो अपने को क्या पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है, बोला एग्जैक्टली कुछ भी आ सकता है। तो जब भी आप किसी भी पोजीशन पर खड़े हो, सपोजिंगली अभी आप 3rd पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है, तो 3rd से आपको 6 के 6 पॉसिबल जो भी आउटकम्स हो सकते हैं ना वो सारे के सारे लेने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 के 6 लेने हैं। और आपको पता लगाना है कि आप यहाँ पे फाइनल जो आपका गोल है 36 पोजिशन पे कितने बार जो डाइस है उसको रोल करके पहुँच जाओगे, मिनिमम नंबर ऑफ रोल्स निकालना है। तो भैया इसमें मिनिमम क्या है, अपन तो जितने बार 6 6 6 आता रहेगा उतनी बार पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 6 6 6 आने से ही आप जरूरी नहीं है पहुंचो, मान लो यहाँ पे पहुंचे 17 पे, ठीक है, और 17 पे आपका स्नैक था तो ये आपको वापस पीछे ले आया, ओके। और जैसे सपोजिंगली आप पहले 12 पे ही थे, ठीक है, या फिर पहले 11 पे थे, 11 और प्लस 6 होता है ना 17, हाँ सपोजिंगली आप पहले 11 पे थे, अब 11 से आप 6 आके 17 पे जाते, उससे बढ़िया क्या था 11 से आपके 2 या 3 आ जाए, मतलब 3 आ जाए, जिससे आप 14 पे जाके सीधा 35 पे चले जाओ, ठीक है। तो हर बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा काउंट है जिससे अपन मैक्सिमम पे पहुंच पा रहे हैं, ओके। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या रहा था कि इसमें नॉर्मली एक मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन थी, बोला बिल्कुल सही बात है, और एक अपना आउटपुट गिवन था। ये आउटपुट क्या था, कैसे आया, कुछ नहीं पता, छोड़ो, रहने दो, ध्यान ही मत दो, ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन थी, इतना क्लियर होना चाहिए, बोला हाँ ठीक है मैट्रिक्स गिवन थी। अब देखो ये मैट्रिक्स कहना क्या चाह रही है, तो मैट्रिक्स सिंपल बोल रही है कि अगर इसकी जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उस फर्स्ट रो में -1 -1 -1 -1 -1 है, इसका मतलब यहाँ पे ना तो कोई स्नेक है और ना ही कोई लेडर है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है, फर्स्ट रो में कुछ ही नहीं था, बोला बिल्कुल सही बात है। सेकंड रो में भी -1 ही है, हाँ तो सेकंड रो में भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। थर्ड रो में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देख लो थर्ड रो में कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्थ रो में क्या है कि जो सेकंड पोजीशन है ना वहाँ से आप 35 पे चले जाओगे, तो जो सेकंड पोजीशन है वहाँ से आप 35 पे जा रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक लेडर है, इसमें क्या अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को सीधा पॉइंट दिया हुआ है, अपन सीधा पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। अच्छा भैया इसमें जो सेकंड लास्ट है वहाँ से 13 पे पहुंच जाएंगे, ये देखो यहाँ से स्नेक है जो आपको 13 पे लेके जा रहा है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या गिवन है, अगर -1 गिवन है इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो स्नेक है ना तो लेडर है, अपने को बड़े आराम से चलता रहना है। और अगर वहाँ पे -1 नहीं है इसका मतलब वहाँ पे स्नेक लेडर कुछ ना कुछ तो है, और जो भी है वहाँ से जिस भी पोजिशन पे जाना है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं था, बोला ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो कोई स्नेक है ना तो कोई लेडर है, हाँ तो बोला -1 है। और लास्ट वाली में बोला हाँ 2 पे है लेडर, तो 2 पे है लेडर। अच्छा भैया यहाँ पे 11 पे है तो सही है लेडर, कैसे बोल रहे हो, तो 11 पे भी है तो 10 पे भी है, अरे भैया ये स्टार्ट हो रही है 2 से और जा रही है 15 पे, ठीक है, तो बीच वाले को नहीं लेते, बीच में से नहीं जा सकते आप, लेडर के बीच में नहीं कूद सकते, ओके ठीक है क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आया ये मैट्रिक्स क्या है, हाँ मैट्रिक्स बेसिकली यही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल स्नैक एंड लेडर मैच में होता क्या है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा खड़े रहोगे, बोला बिल्कुल सही बात है, और आपको फर्स्ट पोजीशन से डाइस को रोल करना है और समहाउ 36 पे पहुंचना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि जिससे अपन मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में पहुंच सके, और अगर है मतलब ऑफकोर्स ही बात है कोई ना कोई तो होगा ही, मिनिमम नंबर कुछ भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है, तो बस अपने को मिनिमम नंबर जो है उसको रिजल्ट में आउट करवाना है, बस सिंपल सा, इतना सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो कि अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो सबसे बढ़िया, सबसे पहले यहाँ पे आओ, फर्स्ट पोजीशन पे आप आ गए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे आप आ गए, अब फर्स्ट पोजीशन से कहाँ पे जा सकते हो ये बताओ। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन से अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि अपना डाइस में रोल करने पे क्या आएगा। मतलब ठीक है, तो सपोजिंगली डाइस पे रोल करने पे आए 1, ठीक है, तो 1 पे अगर आप मूव करें मतलब सेकंड पोजीशन पे आए तो सेकंड से 15 पे जा सकते हो। मतलब बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर आता 2 तो आप थर्ड पे चले जाते हैं, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अगर आता 3 तो आप फोर्थ पे चले जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, सही बात है। बोला हाँ, तो अपन क्या करेंगे कि इसकी 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, 6 की 6 को अपन एक क्यू में स्टोर करवा लेते हैं कि हाँ मान लो 6 की 6 पन्ने चली और 6 की 6 से कुछ ना कुछ आंसर आया, फिर आगे देखेंगे क्या पता किससे शॉर्टेस्ट आंसर आ रहा हो। मतलब देखो समझो कि वैसे तो यहाँ पे 2 पे चलने पे अपन सबसे ज़्यादा दूर पहुँच रहे थे, बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब देखो 15 है, ठीक है, यहाँ से पहुँच गए। अब यहाँ से आगे कोई लेडर है ही नहीं, यहाँ से आपको पूरा चलना ही पड़ेगा। जबकि अगर आप 14 पे आओ तो 14 से आप एक साथ 4 रोज को बाईपास कर जाओगे, जबकि यहाँ पे तो आपने कितनी रोज को बाईपास किया, सिर्फ और सिर्फ 3 को, यहाँ पे आप 4 रोज को बाईपास कर जाते हैं, हाँ कि ना। बोला हाँ, तो अपने को 14 वाली लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना। बोला हाँ ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जो 6 के 6 कॉम्बिनेशन है, नॉर्मली अपन चल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं। अब यहाँ से अपन जहाँ पे भी जा सकते हैं, मतलब 6 पोजीशन पे जा सकते हैं, 6 के 6 कंडीशन को अपन लिख लेंगे। मतलब एक बार अपन आ सकते थे 2 पे, एक बार आ सकते थे 3 पे, सिमिलरली 4 पे, सिमिलरली 5 पे और 6 पे और 7 पे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अच्छा अब ये 2 सही लिखा है कि अपन ने, बोला नहीं, 2 पे अपन आ सकते थे, लेकिन जैसे ही 2 पे आएंगे, 2 पे आते ही अपन कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 15 पे, तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 15, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे भी अपनी एक स्टेप तो लगी चुकी है, और इसमें से अपन एक स्टेप लगाने पे अपन कभी भी 36 पे नहीं पहुँचे, मतलब ये कोई सा भी इसमें आंसर 36 नहीं है, तो अपनी हाँ बेयर मिनिमम एक स्टेप तो रिक्वायर्ड थी ही थी, ठीक है। अब अपन दूसरे स्टेप चलेंगे, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब दूसरे स्टेप में क्या क्या पॉसिबल है, अब दूसरे स्टेप में ये पॉसिबल है कि 15 पे अपन चले गए, मतलब एक अपना आंसर 15 पे भी जा रहे थे, हाँ। अब 15 से 6 की 6 कंडीशन देखेंगे, बोला ओके हाँ, तो जैसे 16 है, जैसे 17 पे आते ही तो अपने स्नैक अपने को बाइट करेगा और अपन 13 पे पहुँच जाएंगे, बोला ठीक है। फिर 18 है, एंड जैसे इसके पूरे के पूरे 6 के 6 पोजिशंस को अपन लिख सकते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर सिमिलरली अपन जो थर्ड है ना उसको निकालेंगे, थर्ड पोजीशन पे अगर अपना स्नैक होता और वहाँ से जो 6 की 6 पोजीशन थी वो भी अपन इसी एरे में लिख लेते, फिर अपन 4 से निकालते वो भी अपन इसी में लिख लेते, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर 5 से इसी एरे में लिख लेते, 6 से भी लिख लेते और 7 से भी लिख लेते। इससे क्या मतलब हुआ कि इस एरे में जो भी अभी वैल्यूज आई है उन सब पे सेकंड मूव में पहुंचा जा सकता था, हाँ कि ना। बोला हाँ, अब देख लेंगे क्या किसी भी मूव से अपन 36 पे पहुंच गए हैं क्या, बोला नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे, बोला ठीक है। फिर इन सारी वैल्यूज से 6 पोजीशंस देखेंगे, ऐसी कौन कौन से 6 पोजीशंस है जहाँ पर अपन जा सकते हैं। अगर वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाते ही अगर अपन 36 पे चले गए तो बस अपने को उतनी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स को रिटर्न करवाना है, तो ठीक है। यहाँ पे गए अपने 1 मूव लगी, यहाँ पे गए 2 लगी, अब यहाँ से जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे 3 लगेगी, और फिर वहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे, मान लो वहाँ से भी एक और की रिक्वायरमेंट है तो 4 नंबर ऑफ मूव्स लगेगी, ठीक है। बोला हाँ ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हो गया, इंट्यूशन तो क्लियर हो गई, ये तो BFS की इंट्यूशन थी, ग्राफ की इंट्यूशन थी, बहुत ईजी थी, तो हमें भी क्लियर हो गई थी, लेकिन इसमें दिक्कत कई सारी थी। बोले बताओ, देखो सबसे पहले तो एक दिक्कत डाइस की तो रिजॉल्व हो गई कि अपने को 6 के 6 पोजिशंस को लेना है, बोला ठीक है। अच्छा अब दूसरी दिक्कत ये आ रही है भैया कि जैसे मान लो फर्स्ट पोजिशन पर अपन खड़े हैं, बोला ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आप खड़े हो, अब फर्स्ट पोजीशन से मुझे 6 पोजीशन पे जाना है, हाँ। अब मेरे पास तो ये मैट्रिक्स गिवन है ना, मैं इस पे कैसे जाऊँगा, मुझे ये समझाओ, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फर्स्ट पोजीशन आपकी यहाँ पे आई, इस बात को आप कभी मत भूलना, बोला ठीक है, ठीक है, हाँ। अब एक बात समझो, मान लो आप 8 पोजिशन पर खड़े हो सपोजिंगली, ठीक है भैया, मैं 8 पोजिशन पर खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे 6 आगे मूव करना है, ठीक है, 6 मुझे मूव करना है, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, बोला भैया 14 पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो 8 + 6 कितना होता है, बोला 14, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप 14 पे पहुंच रहे हो ना, हाँ। अब एक काम करते हैं अपन 14 का सीधा रो और कॉलम निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, 14th पोजीशन है, हाँ भैया 14th पोजीशन थी, और नंबर ऑफ रोज कितनी थी, बोला नंबर ऑफ रोज 6 थी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं 14th पोजीशन पे अपने नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा भैया मेरे पास, बोला भैया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर में लेंगे 2 आएगा, ऑफकोर्स ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। अच्छा अब अपना ये 2 क्या निकला कि अपनी सेकंड इंडेक्स पे, मतलब जो रो है ना उसके हिसाब से सेकंड, मतलब थर्ड अपनी जो रो है उसके ऊपर, तो भैया थर्ड रो तो ये वाली होती है अपनी, लेकिन अपन तो इस पे है, ये तो आपका फॉर्मूला गलत हो गया, बोला फॉर्मूला कोई गलत नहीं हुआ, आराम से सुनो। अपन ने क्या बोला, 14th पोजीशन पे अपने को जाना था, तो अपन ने क्या किया कि जो अपनी टोटल नंबर ऑफ रोज है उससे डिवाइड कर दिया, जैसे अपने पास क्या आ जाएगा कि अपन कौन सी रो के अंदर है, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहाँ पे तो आपका आंसर आया 2, हाँ, और यहाँ पे तो अपन क्या है 24 पे पहुँच रहे, मतलब 2 से तो अपनी ये वाली इंडेक्स आ रही है, इस वाली रो में तो है ही नहीं, इसके नीचे वाली रो में थी, ये कैसे हुआ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नीचे से देखो आप, मतलब नीचे से क्यों देखेंगे भैया, नीचे से मानो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है और ये 2 है, बोला हाँ भैया तब तो काम कर रहा है। लेकिन जीरो से क्यों माना, नीचे से क्यों माना भैया? क्योंकि अपन नीचे से मूव कर रहे हैं ना, अपने लिए फर्स्ट इंडेक्स हमेशा यही है। बोला ओके हाँ, बोला मैट्रिक्स में तो ये होती है, माना मैंने आपकी बात, लेकिन अपने लिए ये है ना, अपन यहाँ से मूव नहीं कर रहे ना, अपन यहाँ से मूव कर रहे हैं। बोला ओके, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा समझो। अपन ने क्या बोला, सपोजिंगली अब अपन 9 पे खड़े हैं, ठीक है, हाँ 9 पे खड़े हैं। अब यहाँ से अपने को 6 स्टेप्स को चलना था, ठीक है, तो 6 स्टेप्स चलेंगे, मतलब कहाँ पे पहुँच गए 15 पे। मतलब बहुत बढ़िया। अब अगर आप 15 पे पहुँच रहे हो तो 15 की कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है, 15 का कैसे पता करेंगे यहाँ पे? बोला सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। बोला कितनी आई? बोला 2 पॉइंट समथिंग आई कि 2 ही ले लो, इंटीजर में 2 ही आता है। बोला बिल्कुल सही बात है। 2 कौन सा लिया जाएगा, नीचे से लिया जाएगा, तो 0 1 2 यानी कि ये वाली रो। अच्छा भैया अब नीचे से कैसे काउंट करेंगे कि नीचे से कौन सी है? तो बोला कुछ ही नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज की दी थी, बोला 6, तो 6 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आया भैया 4। एंड ऑफ डिस्कशन। अब ये ऊपर से 4th रो है, लेकिन 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से है, तो इसमें से -1 भी करा देना। बोला ओके, तो अब आया 3, देख लो 0 1 2 3, हाँ कि ना? बोला हाँ भैया हाँ, अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। और किसी पे लेके देखना है, जैसे 29 पे देख लो कि अगर आप 29 पे पहुंच रहे हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप 29 का कैसे निकालोगे? पहले 29 को डिवाइड करो 6 से, क्या आया भैया 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 ही लेंगे अपन, ऑफकोर्स सी बात है। बोला हाँ, 6 में से 4 को माइनस करा, कितना आया भैया? बोला 2 आया, 2 है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, तो माइनस करा 2 1, कितना आया? बोला 1 आया, चेक कर लो 0 और ये 1, इसी में आ गया 29। बोला हाँ भैया इसी में है, ठीक है, हाँ रो तो निकल गई भैया, रो तो निकल गई। अब कॉलम बताओ, कॉलम कैसे निकालेंगे? कॉलम भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, कॉलम नहीं निकल रहा भैया, ठीक है कॉलम नहीं निकल रहा ना, हाँ टेंशन ही मत लो, कॉलम भी निकालते हैं। देखो समझो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, बोला कोई सा भी पोजीशन लो, गेन 10th पोजीशन ले ली मान लो सपोजिंगली, ठीक है, हाँ 10th पोजीशन ले ली, इसकी रो तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, रो आ गई इसकी 1, ठीक है, रो निकाल ली अपन ने। मतलब यहाँ से अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ से चले तो कौन सी रो आ गई? 0 1 2 3 4, 4th रो, सॉरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रोज अपने पास आ चुकी है। अब अपन इसका क्या है, कॉलम निकालते हैं। कॉलम कैसे निकालेंगे भैया? देखो अब जो कॉलम है ना, वो एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट कैसे हुआ भैया? देखो समझो इस बात को, अपना 10 है, बोला बिल्कुल सही बात है, 10 से कौन सी रो पे जाया जा सकता है, वो तो अपना फाइन आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से आप ये बताओ, इसका मोड करो, मोड किसके साथ में करोगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? बोला 6, क्या आया? बोला 4। अब इससे क्या अपने पास आया कि 4th पोजिशन है किसी ना किसी रो की, 4th पोजिशन पे, तो रो तो अपने को पता चल गई 4th रो की 4th पोजिशन पे, ठीक है। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है, 4th पोजीशन समझ में नहीं आ रही कहाँ से, स्टार्टिंग से या एंडिंग से? भैया ऐसे क्यों हुआ? देखो अगर ये हर बार जैसे 1 2 3 4 5 6 है, अगर ये 7 भी यहीं से स्टार्ट हो रहा होता ना, तब तो अपन बोल सकते थे कि हाँ ये यहीं पे मिलेगा, लेकिन अब क्या ये 7 यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर वापस क्या है 13 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 19 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 25 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 31 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हर बार क्या ये ऑल्टरनेटिव में स्टार्ट हो रहा है। तो अब पता नहीं चल रहा है कि अपने को 4th पोजीशन इधर से देखनी है 4th पोजीशन या इधर से देखनी है 4th पोजीशन, दिक्कत वो आ रही है। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, दोबारा समझते हैं अपन। रो में तो क्लियर था कि अपना हाँ यूं ही अपन मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉलम में अपनी क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो अपन जा रहे थे यूं, ठीक है, फिर अपन जा रहे थे यूं, इस डायरेक्शन में जाने लग गए अपन, ठीक है, 6 से ऊपर 7 यहाँ पे आ गया। अगर ये 7 यहाँ पे आया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो अपन फॉर श्योर बोल सकते थे कि ये 4 अपना 4th कौन सी पोजीशन है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि ये 4 अपना यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्या, ठीक है। अब ये तो दिक्कत है, अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? बोला सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या बोलेंगे अपन कि हर ऑल्टरनेटिव में ये शिफ्ट हो रहा है, हाँ भैया, कि यहाँ पे सही से काम कर रहा था 1 से 6 पे जा रहा था इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे सही से काम कर रहा था, फिर इसके ऑल्टरनेटिव में सही से काम कर रहा था। तो अपन क्या बोलेंगे कि जहाँ पे भी ये वाली पोजीशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे भी ये ऑड वाली पोजीशन पे है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऑड पोजीशन हुई ना, हाँ, तो जहाँ पे भी ये ऑड इंडेक्सेस पे है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन 4 ना निकाल, अगर अपना 4 आया है मतलब अपना 4th कॉलम आया, तो अपन 4th कॉलम ना लेके कौन सा कॉलम लेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -4, ठीक है, यानी कि 2nd इंडेक्स। चेक कर लो 2nd इंडेक्स पे थे क्या अपन? बोला 0 1 2, हाँ 10 भी अपना 2nd इंडेक्स पे था, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, हो गया सॉल्व। बोला ओके हाँ भैया, कॉलम वाला कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन कॉलम वाला कंसेप्ट भी है वही सेम कंसेप्ट था ना कि अपन यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें तो अपन उल्टा जा रहे हैं, इसलिए अपन ने एन में से माइनस करा है, मतलब एन के अपनी टोटल नंबर ऑफ रोज या फिर सॉरी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेम आएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है। हाँ तो अब इंट्यूशन समझे हम भैया, पूरी इंट्यूशन समझ गए, अब बस इसको अपने को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देख लेते हैं हम एक बार इंप्लीमेंट कैसे किया हुआ है। देखो समझो इसको, अपन ने क्या बोला, ये अपना फंक्शन था, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से अपन क्या बोला, बोले एक तो अपन ने स्टेप्स जीरो से इनिशियलाइज कर दिया जो अपने को काउंट करनी है, फर्स्ट सी बात है। बोले ठीक है, अब एक क्यू क्या बनाया गया, क्यू भाई जहाँ से अपन मूव कराने वाले हैं, तो अपन ने क्या है क्यू बना दिया और अपन इसमें इनिशियली बोला फर्स्ट पोजीशन पे अपन खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है फर्स्ट पोजीशन पे आप खड़े हो, तो अपन ने क्यू के अंदर क्या पुश बैक करा दिया फर्स्ट, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, एन मतलब बोर्ड की साइज ले लिया अपन ने कि ये जो मैट्रिक्स है वो टोटल कितने साइज की है, बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, एक विजिटेड नाम का वेक्टर बनाया। अच्छा ये विजिटेड नाम का 2D मैट्रिक्स बनाई है बेसिकली अपन ने, ऐसा क्यों किया, देखो सिंपल सी बात है, सपोजिंगली कि आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आप मूव करते करते 9 पे आ गए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक बार 6 चलाया और उसके बाद में 3 चलाया आपके डाइस के ऊपर और आप सीधा 9 पे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बाद में 3 पे जाके 9 पे आ रहे हो, तो उसके बाद में क्या 9 से दोबारा कैलकुलेशन करोगे, नहीं ना, 9 पे आप पहले बड़े इजीली पहुंच पा रहे थे और वहाँ से कैलकुलेशन जो भी होगी उसमें फास्टली आप पहुंच पाओगे। देखो दोबारा समझो, आप एक बार तो 1 से गए 6 पे, फिर 6 से गए 9 पे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। फिर आप एक बार गए 1 से 3 पे, 3 से 6 पे और 6 से 9 पे, क्योंकि अपन तो 1 से सारी पॉसिबिलिटीज ले रहे थे ना, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जब आप कम नंबर ऑफ मूव्स में सेम पोजीशन पे पहुंच गए तो क्या आप दोबारा जाओगे क्या उस पोजीशन पे, वैसे तो आप 6 पे रुक जाओगे बट स्टिल ऐसा मान लो यहाँ पे 7 पे जाते हैं आप और फिर 7 से 9 पे गए, ठीक है। तो क्या आप 9 पे दोबारा कैलकुलेशन करोगे, क्या जरूरत है, एक बार आप पहले ही पहुंच गए हो 9 पे, हाँ, और वहाँ पे आप मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में पहुंच पा रहे थे, बोला ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, एक वेक्टर बना लिया विजिटेड का, जिससे अपन किसी भी अगर स्टेप पे पहुंच चुके हैं तो उस पर दोबारा नहीं जाएंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अब अपन ने बोर्ड की जिस पोजीशन पे अपन खड़े हैं मतलब 0th इंडेक्स पे, अपन ने उसको क्या किया ट्रू मार्क कर दिया। अब ये 0th इंडेक्स कहाँ है, तो बोर्ड की साइज -1, मतलब ये तो ये वाला इंडेक्स है, तो यही तो है अपना 0th इंडेक्स, लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ठीक है समझ में आ गया। अच्छा अब जब तक अपना जो ये क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक इस वाइल के लूप को रन करते रहो, नॉर्मल अपनी बीएफएस की कंडीशन है, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अभी जो भी क्यू की साइज है उसको अपन z में स्टोर करवा रहे हैं और फिर z तक चलाएंगे, भैया ऐसा क्यों किया, मतलब सिंपल सी बात थी, अपन यहाँ पे देखा ही था कि 1 से अपन 2 पे जा सकते थे, 3 पे जा सकते थे, 4 पे जा सकते थे और 5 सपोजिंगली 6 पूरा ही लिख लेता है, ठीक है 7 पे जा सकते थे। अब यहाँ पे अपन पूरे में कितने पे गए, मतलब भैया 1 नंबर ऑफ स्टेप में। अब क्या बोलेंगे, अब अपन इस पूरी की पूरी ये जो क्यू की साइज है ना, हाँ उसको लेंगे और उसके 6 के 6 पोजीशन जो भी पॉसिबल है उन सब पे जाएंगे, तो वहाँ पे कितने में चले जाएंगे भैया, एक स्टेप में, बोला बिल्कुल सही बात है हाँ। तो अपन ने क्या बोला, इसकी पूरी की साइज ले ली है, इसकी पूरी की साइज क्या है 6, अभी 6 है हाँ, तो अपन अब ये वाला जो लूप है 6 बार चलेंगे, ठीक है। तो ये 6 टाइम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, जो भी क्यू के फ्रंट में है, जैसे यहाँ पे ये था क्यू के फ्रंट में, हाँ इसको लिया, बोला ठीक है इसको ले लिया, क्यू के फ्रंट वाले को ले लिया, एलिमेंट को ले लिया, एक्स में ले लिया। फिर अपन ने ये बोला कि क्या अपना ये वही पोजीशन आ गई जहाँ पे अपने को पहुँचना था, क्या कि ये कहीं 36 तो नहीं है, बोला नहीं भैया 36 तो नहीं है, अभी तो वैसे 2 नहीं आएगा 15 आएगा ना, क्योंकि 2 से अपन 15 पे पहुँच रहे थे, बोला ठीक है हाँ। तो क्या अपन ये बोला कि क्या ये अपने आखिरी स्टेप आ गई, बोला नहीं भैया आखिरी नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करो, सबसे पहले तो इसको पॉप कर दो, इसको तो हटा दो, 15 को हटा दो, 15 को बोल दो टाटा बाय बाय, 15 को हटा दिया, क्यों दिया 15 को क्यों हटा दिया, क्योंकि अब 15 से जहाँ पे जा सकते हैं अपन वो स्टोर कराने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अब j 1 से 6 पे जाओ, भैया ये वाला लूप क्यों चलाया, भैया ये वो वाला लूप है जहाँ पे अपन क्या पॉसिबिलिटीज काउंट करने वाले हैं कि अब 15 से कहाँ पे जाया जा सकता है, सारी की सारी काउंट कर लो, बोला ठीक है। अच्छा अब ये बताओ ये भैया ये j+x क्या लिख दिया, बोले ये अपन ने ये लिखा है, x में तो क्या है अपना 15 है, बोला बिल्कुल सही बात है। अगर अपन 15 में कुछ भी एड ऑन कर दिया ऐसा 6 के बीच में, जैसे मान लो अगर जो अपना x है वो अपना 32 होता, ठीक है बोला बिल्कुल सही बात है। और 32 में अगर अपन 4 को एड ऑन करते तो अपन कहाँ पे 5 को अगर अपन एड ऑन करते तो कहाँ पे चल जाते, बोला भैया तो आप बहुत ज़्यादा आगे चल जाते, इतने तो अपने कॉलम्स में इतनी तो अपनी बड़ी ग्रिड ही नहीं थी, ग्रिड से आप आगे चल जाते। तो जब भी आप ऐसा कभी हो कि ग्रिड से आगे जा रहे हो तो वहीं के वहीं क्या कर दो ब्रेक, ठीक है समझ में आ गया। फिर भैया ये क्या किया, भैया ये समझाओ, ठीक है इसको ध्यान से समझो। अपन एक पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट जो है वो अपना रिटर्न में आ रहा है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये वाला फंक्शन अपने ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है भैया। अब इसको समझाओ ये फंक्शन कहाँ था और ये क्या कर रहा था। देखो फंक्शन ये रहा, इस फंक्शन में आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे अपन क्या है, जैसे अगर अपन 15 पे आए ना तो 15 के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको अपन कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो, इतना क्लियर हो गया हाँ। अब बताओ कि अब जिस पोजिशन पे आप पहुंचे हो, अगर उस पोजिशन पे आप पहले ही कभी पहुंच चुके थे तब तो भाई छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, इस पोजीशन को छोड़ दो। इस पोजीशन पे आप पहले ही आ चुके थे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में आ रहे थे पहले से, अगर पहले किसी भी स्टेप पे आ रहे थे तो पॉसिबल है वो मिनिमम ही है, ठीक है तो छोड़ दो। और अगर नहीं आप पहले इस पोजीशन पे नहीं आए हो तो इस पोजीशन को आप ट्रू मार्क कर दो, मतलब बिल्कुल सही बात है। और इस पोजीशन पे जो भी आपके बोर्ड में अगर वैल्यू है वो -1 के अलावा कुछ है, तो भैया -1 के अलावा कुछ है इसका मतलब क्या हुआ, देखो -1 के अलावा कुछ कब कब होगी जब वहाँ पे स्नैक है या फिर लैडर है, ठीक है। तो अगर -1 नहीं है उसके अलावा कुछ है तो वो वाली वैल्यू को पुश ऑन करो, और नहीं तो क्या पुश ऑन करोगे अभी जो भी अपनी वैल्यू चल रही है j+x मतलब 15, 18 जो भी चल रही है वो, ठीक है। और जैसे ये 4 का लूप खत्म होगा, हाँ ये कौन सा 4 का लूप खत्म होगा, ये जहाँ पे आप आपकी पूरी की पूरी एक बार जैसे ये जो है ये पूरी की पूरी जैसे क्यों चल जाएगी, हाँ वैसे आपका एक बार 4 का लूप खत्म हुआ, हाँ तो ये 4 का लूप खत्म होते ही अपन क्या बोलेंगे, स्टेप्स को एक बार इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे स्टेप्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर कभी भी अपन ऐसा होता है कि कभी भी अपन इस कंडीशन में नहीं पहुंच पाए जहाँ पे अपन क्या है n² पे पहुंच रहे हो, कभी भी ऐसा मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए कि आप लास्ट पोजीशन पे पहुंच ही नहीं सकते, हाँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न क्या करो -1, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।